सवर्णों को मिले 10% आरक्षण पर बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक खेला जा चुका है। आज सहयोग कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री विनोद नारायण झा ने सबसे पहले क्या विवादित बयान दिया है, पहले आपको हम वो सुना देते हैं। जो उच्च न्यायालय, जो न्यायपालिका है, उसका निर्णय का हम सम्मान करते हैं और उसका जो निर्देश हुआ है सरकार उसका पालन करेगी, लेकिन बाकी राज्यों से बिहार में फर्क है। बिहार सरकार में बजाबते उसके लिए कानून बने हुए हैं और उस कानून के आधार पर मुख्यमंत्रियों को सुविधा, पूर्व मुख्यमंत्रियों को इसकी सुविधा प्राप्त है, लेकिन न्याय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को कानून की व्याख्या करने का अधिकार है, तो जो भी निर्णय होगा राज्य सरकार उसको मानेगी। चुनाव के समय में ये ट्रेड यूनियन हों या बाकी लोग हों, ये राजनीतिक दलों को लाभ पहुँचाने के लिए इस तरह का काम करते हैं, ये उचित नहीं है। अभी तक जितनी भी उनकी सम्मानजनक मांगे थी उनकी मानी गई, लेकिन लोकतंत्र में किसी को आंदोलन करने से रोका नहीं जा सकता है। उनकी भी जो उचित मांगे होगी बिहार सरकार और भारत सरकार उनको पूरा करेगी, लेकिन निवेदन है कि आरजेडी का जो जातीय, उसका जो दलीय स्वभाव है, वो हुड़दंग करना, लोगों को तंग करना, सड़क पर बदतमीजी करना, गरीब व्यवसायियों को सामान छीन लेना, लूट लेना, ये यदि करेगी तो कानून अपना काम करेगा और जो भी करना पड़ेगा प्रशासन इसके लिए तत्पर है। तो आपने सुना कि विनोद नारायण झा ने सीधे सीधे आरजेडी को भूरा बाल की जो विवादित बयान पर दोबारा से लपेटा है, फिर से लपेटा है, और कहीं ना कहीं जो 10% आरक्षण जो सवर्णों को दिया गया था उस पर राजनीति और तेज हो गई है। बीजेपी अपने भूरा बाल वाले विवादित बयान पर, जो राजद का जो भूरा बाल का जो विवादित बयान था उस पर वो फिर से राजद को और अपनी दूसरी विपक्षी पार्टियों को घेरने का काम कर रही है। फिलहाल अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बिहार, देश, दुनिया की सारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए livecities.in के साथ बने रहें। धन्यवाद।